अगर आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए और आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तो यह रेसिपी बनाना उनको बहुत ही पसंद आएगी। जितनी सिंपल बनाने में है उतनी टेस्टी खाने में है और आपसे ज़रूर पूछेगा कि यह आपने किस तरीके से बनाई है और फटाफट से बन भी जाती है। ये लिए मैंने मोटी वाली जो हरी मिर्ची होती है वो तीखी नहीं होती ना, वो वाली मिर्ची है। आप चाहो तो तीखी मिर्ची से भी बना सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डंठल ले लिए हैं। ये लिए मैंने 250 ग्राम मोटी वाली मिर्च, जिनको डंठल निकाल के और काट लिया है। काटने के बाद इनको धो लेना है। धोने के बाद क्या करेंगे, एक कढ़ाई रखेंगे गैस पर और उसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद क्या करेंगे, ऑयल को गरम करेंगे, फिर आधा चम्मच के करीब लेंगे जीरा और आधा चम्मच ही हम लेना है इसमें सौंफ और आधा चम्मच लेंगे हम मेथी दाना। इन तीनों चीज़ों का तड़का देने से ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत अच्छी लगती है खाने में। गैस को कर देंगे लो टू मीडियम और सारी मिर्ची के टपोरों को डाल देते ही, इसको मिर्ची के टपोरों के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। सारी मिर्ची के टपोरों डालने के बाद इसको 5 मिनट तक लगातार इसी तरीके से हमें इनको चलाना होता है, जिससे क्या होगा, मिर्ची हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे नमक। नमक इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारी मिर्ची बहुत जल्दी से गल जाएगी। नमक डालने के बाद क्या करेंगे, 2 मिनट तक इसको इसी तरीके से चलाते हुए भूनेंगे मिर्चियों को। 2 मिनट के बाद दोस्तों इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम क्या क्या डालेंगे, जैसे 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। और अगर आप तीखी वाली मिर्ची ले तो मिर्ची स्किप करना, अगर इस तरीके की मिर्ची तीखी ना हो तो आप इसमें लाल मिर्ची डाल सकते हो। जैसे मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्ची ली है। जैसे आपको तीखा बनाना है तो मिर्ची का इसमें इस्तेमाल ज़्यादा करना, अगर कम तीखा बनाना है तो आप इसमें कम लाल मिर्ची का प्रयोग करना। फिर इनको क्या करेंगे, 2 मिनट तक मसालों को बढ़िया से मिर्ची के साथ भून लेते हैं। 2 मिनट के बाद दोस्तों क्या करेंगे, 1/2 कटोरी भर के लेंगे हम दही। दही हल्का सा खट्टा होगा ना तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। 1/2 कटोरी दही डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको हमें 5 मिनट तक फिर से पकाएंगे। 5 मिनट तक फिर से बढ़िया से दही के साथ पकाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है ये खाने में। अब इसको मैं 5 मिनट तक ढक के पकाऊंगी। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं तो अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच गोले का बुरादा। हाँ दोस्तों, इसको बिल्कुल स्किप ना करें, एक दही को और गोले के बुरादे को, क्योंकि इनमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसी से बन के ये रेसिपी तैयार होती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। फाइनली ये बन के हो गई है रेडी। अगर आपको एक रोटी की भूख है तो इससे आप 2 रोटी तो पक्का खाओगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है ये। और खाने के बाद तो आपको आनंद ही आ जाएगा और आपके कोई किस जिसको भी खिलाओगे ना वो आपकी तारीफ पक्का करेगा कि ये किस तरीके से बनाई है और आपने क्या क्या डाला है इसमें। और इसको आप चावल के साथ सर्व कर सकते हो, पराठे के साथ सर्व कर सकते हो, जो आपको पसंद है उसके साथ।